बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैथ्स मैन में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम काशी शोर्स इनक्वालिटी फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इसको हम प्रूफ करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन। ये हमारे पास एन ट्यूपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड सो ऑन वाई एन। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स एन ट्यूपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दो हमारे पास सी एन स्पेस के मेम्बर्स हैं। देन इन कम्प्लेक्स का नंबर्स के लिए हमारे पास क्या होगा, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट और मॉड का स्क्वेयर। वो लेस और इक्वल टू होगा समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एक्स आई मॉड स्क्वेयर एंड समेशन आई फ्रॉम वन टू एन वाई आई मॉड स्क्वेयर। यानी ये हमारे पास क्या है, एक्स आई यानी कि ये वाले एलिमेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करना है वाई आई के कॉन्जुगेट से, यानी एक्स वन को वाई वन के कॉन्जुगेट से, एक्स टू को वाई टू कॉन्जुगेट से एंड सो ऑन एक्स एन को वाई एन कॉन्जुगेट से। फिर क्या करना है, सम कर देना है, इन सबको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एक्स आई को वाई के कॉन्जुगेट से कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों का आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर, सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लेके उसका स्क्वेयर कर देना है। इसका जो आंसर आएगा वो इंडिविजुअली लेस और इक्वल टू आएगा हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर करके सम कर दें, यानी एक्स वन स्क्वेयर का मॉड स्क्वेयर प्लस एक्स टू मॉड स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स एन मॉड का स्क्वेयर। तो ये पहले का सम होगा। इसी तरह वाई आई यानी वाई वन मॉड स्क्वेयर वाई टू मॉड स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन वाई एन मॉड स्क्वेयर, तो ये हमारे पास आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। लेट ए इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई मॉड स्क्वेयर, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, और आई फ्रॉम वन टू एन वाई मॉड स्क्वेयर इसको बी का नाम दे देते हैं, और हमारे पास समेशन एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट इसको हम सी का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास एक्स आईज ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड लेंगे वो एक रियल नंबर आएगा, उसका स्क्वेयर करके ऐड करेंगे सबको तो हमारे पास एक रियल नंबर आएगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ से अगर हम ए का कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर आएगा। इसी तरह बी भी हमारे पास मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर है और इनके सामने, तो बी का कॉन्जुगेट लेंगे, रियल नंबर है बी, तो इसका कॉन्जुगेट बी आ जाएगा। सी हमारे पास है प्रोडक्ट है कम्प्लेक्स नंबर्स के, ये कम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट, इन कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट वो कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। सी हमारे पास सम है, एक्स आई एक्स वन वाई वन कॉन्जुगेट प्लस एक्स टू वाई टू कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन एक्स एन वाई एन कॉन्जुगेट। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हर एक को अलग अलग कॉन्जुगेट आ जाएगा, एक्स वन वाई वन कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट प्लस एक्स टू वाई टू के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन एक्स एन वाई एन के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी दोनों पे अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग आ जाएगा, एक्स वन का कॉन्जुगेट वाई वन के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वाई वन आ जाएगा, प्लस एक्स टू कॉन्जुगेट वाई टू के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वाई टू आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन एक्स एन कॉन्जुगेट और वाई एन एज इट इज़। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई कॉन्जुगेट और वाई आई, वैसे ही ये हमारे पास क्या होगा, सी का कॉन्जुगेट होगा। तो इनको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे टू प्रूव। हमने प्रूव अब ये क्या करना है, सी मॉड स्केयर इज़ लेस और इक्वल टू ए मल्टीप्लाई कर बी, सी मॉड स्केयर लेस और इक्वल टू ए बी। तो इसके लिए हम एक इनइक्वालिटी लेके चलेंगे, वह समेशन आई फ्रॉम वन टू एन बी एक्स आई, यानी बी को हमने एक्स आई से मल्टीप्लाई किया माइनस सी इंटू वाई आई और इनके मॉड का स्केयर, यानी इनके मॉड का स्केयर करके सबको सम कर दें, क्योंकि ये हमारे पास मॉड स्केयर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ज़ीरो तब होगा जब ये दोनों इक्वल आ जाएँ और अदरवाइज ये पॉजिटिव आएगा। अब z मॉड स्क्वेयर इक्वल होता है z इंटू z कॉन्जुगेट, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, समेशन आई फॉर वन टू एन बी एक्स आई माइनस सी वाई आई और साथ बी एक्स आई माइनस सी वाई आई का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो b को अलग आ जाएगा एक्स आई बार, c कॉन्जुगेट आ जाएगा और साथ वाई आई बार। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आई बी बार एक्स आई बार, उसके बाद b एक्स आई को सी वाई आई बार के साथ, तो बी सी बार एक्स आई वाई आई बार, उसके बाद माइनस सी वाई आई को बी बार एक्स आई बार से, तो माइनस बी सी आ जाएगा,
एक्स आई बार और वाई आई आ जाएगा, इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस सी इंटू सी बार और वाई आई और वाई आई बार आ जाएगा हमारे पास। अब चूंकि बी हमारे पास एक रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट वही रियल नंबर आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो बी इंटू बी बी स्क्वेयर हो जाएगा, जेड इंटू जेड बार जेड मॉड स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस बी सी बार एक्स आई वाई आई बार एज इट इज़, माइनस बी सी एक्स आई बार वाई आई ये भी एज इट इज़, सी इंटू सी कॉन्जुगेट सी मॉड स्क्वेयर हो जाएगा, और वाई आई इंटू वाई आई का कॉन्जुगेट वो वाई आई मॉड स्क्वेयर हो जाएगा। अब बी स्क्वेयर समेशन हम अलग अलग अप्लाई करते हैं, बी स्क्वेयर समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एक्स आई बार स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस बी इंटू सी बार समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एक्स आई वाई आई बार, माइनस बी सी समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एक्स आई बार वाई आई प्लस सी मॉड स्क्वेयर समेशन फ्रॉम वाई टू एन वाई आई मॉड स्क्वेयर, ये हमारे पास आ जाएगा। समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एक्स आई मॉड स्क्वेयर ये हमारे पास ए के बराबर था, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एक्स आई वाई आई बार ये हमारे पास सी के बराबर था, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एक्स आई बार वाई आई ये हमने निकाला, ये सी कॉन्जुगेट के इक्वल है, सी कॉन्जुगेट आ जाएगा, प्लस सी मॉड स्क्वेयर और ये समेशन आई फ्रॉम वन टू एन वाई मॉड स्क्वेयर ये बी के इक्वल था, ये हमारे पास बी स्क्वेयर ए आ जाएगा, माइनस बी सी इंटू सी कॉन्जुगेट सी मॉड स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस बी और ये भी सी मॉड स्क्वेयर आ जाएगा, और ये प्लस बी इंटू सी मॉड स्क्वेयर, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आएगा बी स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू सी मॉड स्क्वेयर। इन दोनों में हमारे पास बी कॉमन है तो हम इन दोनों में से बी को कॉमन निकालेंगे बाहर, और बी चूंकि हमारे पास पॉजिटिव है तो इससे डिवाइड कर देंगे, बाकी हमारे पास बचेगा बी इंटू ए माइनस सी मॉड स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से बी ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी मॉड स्क्वेयर, या सी मॉड स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं लेस और इक्वल टू ए इंटू बी, सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट करेंगे, समेशन आई फॉर वन टू एन एक्स आई वाई आई बार और ऊपर मॉड स्क्वेयर आ जाएगा, लेस और इक्वल टू ए की जगह पे समेशन आई फॉर वन टू एन एक्स आई मॉड स्क्वेयर और बी की जगह पे समेशन आई फॉर वन टू एन वाई आई मॉड स्क्वेयर, तो यही हमने प्रूव करना था कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये होल्ड करती है। अगर हम इसी इनइक्वालिटी को रियल नंबर्स के लिए लिखें, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, अगर हम इसी को रियल नंबर्स के लिए लिखें एक्स वन टू एक्स एन ये भी हमारे पास एन ट्यूपल ऑफ रियल नंबर्स हो, और वाई वन टू वाई एन ये भी हमारे पास एक रियल नंबर्स का एन ट्यूपल ऑफ रियल नंबर्स हो, तो यहाँ से वाई आई का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, वाई आई आ जाएगा, क्योंकि वाई आई सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, इनका कॉन्जुगेट वाई आई आ जाएगा, तो समेशन आई फॉर वन टू एन एक्स आई वाई आई का स्क्वेयर लेस और इक्वल टू, अब मॉड चूंकि रियल नंबर्स हैं तो मॉड खत्म कर दें इसको, जस्ट स्क्वेयर लिख सकते हैं, इज लेस और इक्वल टू समेशन आई फॉर वन टू एन ये रियल नंबर है, मॉड स्क्वेयर की जगह पे हम एक्स आई स्क्वेयर जस्ट लिख सकते हैं, और समेशन आई फॉर वन टू एन वाई आई स्क्वेयर लिख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।